गृह मंत्री भी आज जम्मू के दौरे पर जाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी आज संकल्प पत्र जारी करेगी। अमित शाह बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। जम्मू में आरएसएस और पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात होगी, रणनीति बनाई जाएगी। चुनावी प्रचार बहुत जल्द शुरू हो रहा है और सेकेंड फेज के लिए भी प्रचार प्रसार किस तरह से करना है उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू के दौरे पर जाने वाले हैं। समीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। समीर, कितने बजे पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद किस तरह से रहने वाला है उनका स्केड्यूल आज का? देखिए, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट दौरा अमित शाह का है जिसमें संकल्प पत्र जो कि बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसको रिलीज किया जाएगा। 4 बजे जो बीजेपी का जो एक इन्विटेशन आया उसमें कहा गया कि 4 बजे वो इस संकल्प पत्र को जारी करेंगे। 3 बजे के करीब वो जम्मू पहुंचेंगे और उसके बाद एक प्राइवेट होटल है यहाँ पे, वहाँ पे वो उस संकल्प पत्र को लोगों के सामने पेश करेंगे 4 बजे के करीब। और उसके बाद जब संकल्प पत्र रिलीज करेंगे उसके बाद एक मीटिंग है जो बीजेपी के नेताओं के साथ वहीं होटल में ही, जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के उनके साथ भी तकरीबन 1 घंटे चाय पे चर्चा होगी। तो उसके बाद तकरीबन 6 बजे उनको आरएसएस मुख्यालय यहाँ पे जो केशव भवन जिसको कहते हैं वहाँ पे जाना है। 2 घंटे वो वहाँ पे रहेंगे, तकरीबन 6 बजे से 8 बजे तक वहाँ पे उनका प्रोग्राम है जिसमें वो आरएसएस के जो नेता हैं, जो कदावर नेता हैं जम्मू कश्मीर आरएसएस के, उन सभी से चर्चा करेंगे कि जो संकल्प पत्र उन्होंने आज जो मैनिफेस्टो वो जारी करेंगे उसकी जो चीजें हैं उनके साथ शेयर करेंगे, उनके साथ बात करेंगे। और मेनली जो आरएसएस है, चीजें आपको पता ही है, उनका ही एक वर्चस्व रहता है जितने भी बीजेपी के फंक्शनिंग होती है, तो आरएसएस के नेताओं से उस पर बात होगी। और शाम को फिर गेस्ट हाउस जाएंगे वो और सुबह फिर बीजेपी के नेताओं से वो मिलेंगे तकरीबन 10:30 बजे और फिर 11:30-12 बजे एक रैली है यहाँ पलोरा में, उसको वो संबोधित करके 2 बजे कल निकल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा जो नजरें हैं वो मैनिफेस्टो पे हैं बीजेपी के। और जो खबरें आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कई चीजों को छुएगी। बिल्कुल समीर, समीर मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए तो भाजपा ने कई वादे किए हैं जनता से, उसमें जो सबसे मुख्य वादा है जो जनता वहां की जो आवाम है स्टेटहुड को लेकर जो एक सेंटिमेंट वहां की आवाम में कहीं ना कहीं दबा हुआ है, क्या ये लग रहा है कि भाजपा अपने मैनिफेस्टो में उसे एड्रेस कर सकती है? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ही कई बार इस बात को अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि पहले चुनाव होने दीजिए फिर स्टेटहुड पर भी विचार किया जाएगा। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही और मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी ये कहते हैं, एक्सपर्ट भी कहते हैं कि जो स्टेटहुड है, रियासत का दर्जा देने की बात है, वो एक चुनाव एक घोषणा है, कमिटमेंट है सरकार का और केंद्रीय सरकार का, जिसमें आपने देखा कि असेंबली इलेक्शन यहाँ पे करवाना वो भी एक संकल्प था, वो भी पूरा हो गया। अब दूसरा संकल्प है कि जो यहाँ पे स्टेटहुड का, तो मुझे लगता है कि ये सबसे टॉप पे होगा जो यहाँ पे स्टेटहुड का दर्जा वापस देने का, वो बीजेपी का सबसे बड़ा कमिटमेंट होगा। कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन पर कमिटमेंट होगा। समीर, समीर देखिए, ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट तो होगा ही, लेकिन क्या इसे एक बहुत बड़ा चुनावी दाव भी कहें कि अगर स्टेटहुड को किसी भी सूरत में भाजपा अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर देती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनावी पैंतरा भाजपा का निकल कर आ सकता है सामने? देखिए, बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर की अगर लोगों की बात करें, पॉलिटिकल पार्टी तो अपनी जगह मांग कर ही रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो आम लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए। क्योंकि और इसमें खासकर में जम्मू की कई तंजीमें हैं, जैसे राजपूत सभा है, राजपूत युवा सभा है, वो बहुत ज्यादा अग्रसर है इसमें। उनका कहना है कि महाराजा हरि सिंह ने जो स्टेट जो है उससे हमसे उनका दर्जा छीना गया है, तो उसको पॉलिटिकल रंग भी कई पार्टियां जम्मू में दे रही हैं। तो बीजेपी इसको जानती है कि उन ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उनका भी दबदबा है और उन पार्टियों तक उनको साधने के लिए ये संकल्प जरूर होगा कि यहाँ पे हम स्टेटहुड का दर्जा वापस देंगे। लेकिन उसमें कब तक ये होगा, असेंबली इलेक्शन के बाद कितना टाइम लगेगा, वो निर्भर कंडीशनर्स पर करेगा। लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से और उनके नेता भी आमतौर पर यही कह रहे हैं कि हम इसको वापस दिलाएंगे, उसके लिए सारी जो तैयारियां हम कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी का मैनिफेस्टो होगा वो विपरीत होगा, ये एक बात तो सर्टन है। जो कल भी हमने बात की
राम माधव से, उन्होंने कहा कि जो एमसी का मैनिफेस्टो है उसके अपोजिट में हमारा मैनिफेस्टो होगा। एमसी ने कहा है कि हम रेस्टोरेशन ऑफ 370 करेंगे, तो बीजेपी ये कहेगी कि नहीं, इट इज एन हिस्ट्री। बिल्कुल, वो 370 को रेस्टोर करने वाली बात तो गृह मंत्री बहुत पहले ही नकार चुके हैं। वो ये स्पष्ट कर चुके हैं कि संविधान से 370 स्क्रैप हो चुका है, वो किसी भी सूरत में वापस नहीं आएगा, ये गृह मंत्री का कहना है। लेकिन आज उनका दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है समीर, और अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे और कई तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं। नजर सबकी रहेगी कि मैनिफेस्टो में भाजपा क्या क्या दावे करती है जनता से, और फिर वो दावे कितने धरातल पर उतरते हैं, और जनता कितना बिलीव करती है उन दावों में, उन वादों में, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। समीर, आप नजर बना के रखिए, जुड़ेंगे आपसे, जानकारी लेंगे। फिलहाल के आपका बहुत बहुत शुक्रिया।